तो फौज पैदा करने का कि अगर आपस में मियां बीवी झगड़ते हों या लड़ते हों तो उनके अंदर इत्तफाक ना हो, तो उस इत्तफाक को पैदा करने का, नाराजगी को खत्म करने का। और अगर कोई ऐसा मसला है कि मुखालिफ, जैसे होता है कि मियां बीवी की फैमिली मेंबर्स, यानी कि जो शोहर होता है उसकी फैमिली मेंबर्स जो उनसे तंग करते हैं या घर वाले तंग करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही नायाब ये वजीफा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से जितनी भी किसी के दिलों में रंजिश है या कोई ऐसी परेशानी है या तकलीफ पहुंचाते हैं, तो अल्लाह पाक उस चीज से उनको बाज रखेंगे। और आपके जो शोहर हैं या आप अपने किसी ऐसे चाहने वाले के लिए करते हैं जो आप मतलब कि आपको परेशान करता है, दुख देता है या तकलीफ देता है, या हर वक्त आपको जो है किसी न किसी बात पर खींचने की कोशिश करता रहता है, तो इस नायाब वजीफे से आप ये मसला अपना हल कर सकते हैं। इस वजीफे में आपने पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा आप ये या हन्नान हो या हलीम हो, या हन्नान या हलीम हो, दोनों लफ्ज जो है अल्लाह के नाम है, तो दोनों आप पढ़ेंगे, तो सिर्फ 100 मरतबा पढ़ेंगे इशा की नमाज के बाद। और अगर औरत नाराज हो जाए, जैसे मियां बीवी में दोनों रिश्ते होते हैं, अगर औरत मर्द नाराज हो तो औरत करे, अगर औरत नाराज हो तो फिर यही अमल मर्द करे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी कामयाबी होती है। और अगर किसी और मसले के लिए अगर आपने करना है तो पहले आप इजाजत लें ताकि हमें पता हो, ताकि शरीयत के खिलाफ कोई काम ऐसा ना कर सकें आप, ठीक है। तो दूसरा, अगर आपका कोई अजीज वकारीब इस मसले में है और शरीयत का लिहाज रखते हुए अगर आप उसको मनाना चाहते हैं या उसके दिल से रंजिश या परेशानी खत्म करना चाहते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि ये वाला वजीफा लाजिम करें, तो इंशाल्लाह ये तमाम मसला जो है आपका हल हो जाएगा। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ करती हूँ कि आप कम से कम मेरी जितनी भी वजायफ उनको सुनकर आपकी जिंदगी में कुछ सुकून और कुछ कामयाबी भी आपको जरूर मिली होगी। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। खूब का नक्श दिया जाए, यानी मोहब्बत का, चाहत का नक्श दिया जाए, जिससे बहुत जल्दी फर्क पड़ जाए, और इंशाल्लाह 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। उसका इस्तेमाल, उसका तरीका इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश की जाती है, अगर आप सिंसियर हैं और वो नक्श हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर जो है हमसे बात करें। उसका थोड़ा सा हदिया है, वो पहले ही आपको बता दिया जा रहा है कि उसका हदिया आपको जरूर देना पड़ेगा, वरना वो नक्श कभी काम नहीं करता, ठीक है। उसका जो मुकलीन का जाहिर आपको पता है, अमलियात का लिया हुआ नक्श है, और बहुत मुश्किल से हमें भी वो मिला था, तो काफी पढ़ाइयों के बाद और मतलब के जैसे जिला काटने के बाद वो नक्श तैयार किया गया था, और वो बहुत जलाली नक्श है। तो इंशाल्लाह आपको वो दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उसका तरीका यही है कि आपको उसका हदिया, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, हदिया इतना ज्यादा नहीं है, आप उसका हदिया जो है दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। बहुत जो है ताकतवर नक्श है, उसका ख्याल रखिएगा और उसका गलत इस्तेमाल ना कीजिएगा, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप हमारा नंबर हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर कमेंट्स करें, और वो लोग बस रब्ता करें नंबर के लिए जो सिंसियर हैं, वाकई ही अमलियात सीखना चाहते हैं या अपनी कोई मुश्किल हल करवाना चाहते हैं। हमारे चैनल पर बहुत से जो हमने वज़ाइफ आपको पेश किए हैं, अमलियात पेश की है, रूहानी इलाज की मुकम्मल सर्विस दी जा रही है। दुनिया भर के परेशान हाल लोग अपने मसले और परेशानियों के लिए, बेरोजगार जो लोग हैं और जिन्नात जादू के मामलात का हल करवाने के लिए इस सब जो सर्विस दी जा रही है, उससे काफी लोग जो हैं फैसियाब हो रहे हैं, और पूरी कोशिश की है कि अपनी बहनों की मदद की जा सके, भाइयों की मदद की जा सके। और अगर हमें कोई नक्श वगैरह भी उनको सेंड करना पड़े, हम वो भी उनको भेजेंगे बजरिया डाक के जरिए, या फिर कोई चीज भेजनी होगी वो भी इंशाल्लाह भेजेंगे, ताकि उनकी परेशानी हल हो सके। किसी को जिन्नात जादू या घर में कोई ऐसी मसला है या बंदिश है, रिश्तों में बंदिश है, काला जादू जैसे सफली जादू, जिन्नात, नजरे बद, और जैसे शादी के मसाइल होते हैं, पसंद की शादी के मसाइल होते हैं, तलाक का मसला होता है, कारोबार की बंदिश कर दी जाती है, कोई कारोबार कोई ठीक हो नहीं रहा था, वो अच्छा कारोबार भी खराब हो रहा होता है, तालीम का मसला होता है और बाहर मुल्क जाने का मसला होता है, रिश्ते की बंदिश, मोहब्बत वगैरह के जो होते हैं, वो मैंने काफी अमल आपको अच्छे तरीके से समझाए हैं जो शरीयत के लिहाज से हैं,
और सास वगैरह का ये जो मसले होते हैं, इनके लिए जो कुरान पाक जो है तालीम दी जाती है, उसमें से आपको जो भी बेहतर होगा वो हम बताएंगे। और जैसे शोहर नाराज हो जाते हैं, लापरवाही करते हैं, इन तमाम मसलों के हल के लिए इंशाल्लाह आप हमसे रब्ता करें, हम आपको नंबर भी देंगे। लेकिन सिंसियर लोग जो हैं, वाकई ही जो हमारी बात को समझते हैं, वो लोग रब्ता करें। और एक बात, आप इनको जो नंबर दिया जाएगा वो मेरे उस्ताद, मेरे जो पीर हैं उनका नंबर है, मेरे चचा भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, उनका नंबर दिया जाएगा। भाई लोग जो हैं वो उनसे बात करें, और ख्वातीन जो हैं उनसे बात करके हम तक पहुंच सकती हैं। ठीक है, ख्वातीन हमसे बात कर सकती हैं, या फिर वो जो है उनसे भी बात कर सकती हैं, उनको नंबर दिया जाएगा। नंबर दो, बात ये है कि अगर बहुत से लोगों की फरमाइश है, यहाँ तक कि हजार से ज्यादा लोग जो हैं हमसे कहते हैं कि प्राइज बॉम, वट्टा, लॉटरी, इन सब के बारे में जो है मैं और इस बारे में बात नहीं करना चाहती, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम इस तरह की है तो वो उनसे बात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जितनी भी हो सके आपकी मदद की जाएगी इस्लामी तरीकों के हिसाब से। इजाजत दें, मेरी अगर बात समझ आती है तो कमेंट्स बॉक्स में सिर्फ वो लोग रब्ता करें जो सिंसियर हैं, वाकई ही अमल करना चाहते हैं और अमलियात में आना चाहते हैं। बेफजूल लोग जो है रब्ता ना करें, टाइम वेस्ट मदरसों वालों का टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से चैनल बनाया गया है, तो आपकी मेहरबानी है, इसको जो है इसका गलत तरीका इस्तेमाल ना करें। सिंसियर लोग बस रब्ता करें। और दो या तीन मैसेज में अपना तमाम मसला बयान करें, ज्यादा मैसेज ना करें, नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर होगा, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद।